दोस्तों, ये नवंबर का महीना है और जो गुलदावरी की केयर है, इसी महीने अगर कर ली जाए तो आपका जो गुलदावरी का गमला है वो फूलों से भरा रहेगा। और इसकी जो केयर एंड टिप्स जो हैं वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने गुलदावरी की केयर जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से कर ली, तो आपकी भी गुलदावरी का जो पौधा है वो फूलों से भरा रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो है इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऊपर की हल्की जड़ें जो निकलनी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर हम इसको खाद देंगे तो ये जड़ें जो फिर से दोबारा बन जाएंगी। देखिए, हल्की गुड़ाई कर दी, उसके बाद जो पत्ते नीचे लग रहे हैं मिट्टी में उनको निकाल दिया, और जो खरपतवार हैं ये भी निकाल के रख दी साइड। खरपतवार होंगी तो सब जितना पोषण है वो सब वही चूस लेंगी। उसके बाद जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये मैंने खाद तैयार रखी है, ये भिगा के रखी है। इसमें क्या क्या मिलाया है मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए, उसी हिसाब से आप इसमें खाद मिलाइए। ये DAP है, देखिए DAP आप मिलाएंगे इसमें 25 से 30 दाने बस, मात्र एक पानी की बकेट ले लेंगे, उसमें 25 से 30 दाने DAP। और DAP इसलिए मिला रहा हूँ, DAP से जो है इसमें फूल जो हैं बड़े खिलते हैं, और फूलों का साइज़ जो है बढ़िया आ जाता है, और फूलों का कलर भी बढ़िया होता है, इसलिए मैं इसमें DAP यूज़ करता हूँ। और ये देखिए, ये है नीम खली, फंगस वंगस ना लगे उसके लिए नीम खली, ये भी आप करीब 100 ग्राम यूज कर सकते हैं इसमें। नोट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, 100 ग्राम ये यूज करना, और 25 से 30 दाने DAP। और ये जो मेन चीज़ है, ये है सरसों की खली, ये देखिए सरसों की खली भी आप 100 ग्राम इसमें मिला दीजिए, और उसको कम से कम 2 दिन इस पानी में भिगा कर रखिए। इन तीन चीज़ों को आप मिला दीजिए, 100 ग्राम सरसों की खली, 25 से 30 दाने DAP और 100 ग्राम करीब नीम खली, ये सब मिलाकर इसमें इसको 2 दिन करीब भिगा कर रख दीजिए। और 2 दिन भिगाएंगे तो उसको हल्का हल्का, जिस समय टाइम मिले आपको इसको घोल लेना, जिससे कि उसका जो है मिक्स हो जाए और ये इसमें डालने योग्य हो जाए। और इसमें देखिए मैं एक चीज़ और मिला रहा हूँ, ये है, ये देखिए बनाना पील, ये जो केले के छिलके होते हैं उसको मैंने सुखा के रखा था, और अब इनको ये चूरा कर दिया, देखिए बिल्कुल सूख के बिल्कुल ऐसे हो गए थे, चूरा हो जा रहा था, ये इनको रखा है, ये थोड़ा ये मिलाएंगे इसमें। और इसमें देखिए एक चीज़ और मिला रहा हूँ मैं, ये सब आपके घर पे मिल जाएगा, ये चाय पत्ती, यूज चाय पत्ती होती है और अंडे के छिलके, ये यूज चाय पत्ती है और इसमें थोड़े से अंडे के छिलके हैं, थोड़ा ये मिलाएंगे इसमें। आपने इसकी गुड़ाई कर ली, उसमें देखिए पहले सबसे पहले जो है ये इतनी मात्रा में मिलाना है, देखिए अंडे के छिलके, इससे कैल्शियम मिल जाए आपके फूलों को। और ये जो चाय पत्ती है इससे जो है इसकी और जो खाद है की पूर्ति वो हो जाएगी, इसमें जो पोटेशियम नाइट्रोजन जो चाहिए होता है वो इससे मिल जाएगा, ये यूज्ड चाय पत्ती हैं। और जो केले के छिलके हैं, जो ये देखिए ये बना रखा, ये हल्का ये भी डाल दीजिए, ये आप सब पौधों में कर सकते हैं, किसी भी फूल वाले पौधे में ये आप खाद दे सकते हैं। और जो मैंने ये बनाया, देखिए लिक्विड, ये करीब होगा करीब 4 लीटर करीब, 5 लीटर करीब ये होगा, इसको हम मिलाएंगे पूरे जो है 20 लीटर की बाल्टी में, ये पूरा नहीं देना है, 20 लीटर की बाल्टी में आप पौधों के हिसाब से इसको मिला सकते हैं। ये देखिए ये हम पूरा इसमें डाल देंगे, जो 20 लीटर की बाल्टी है इसमें जो बना रखा ये पूरा इसमें डाल देंगे हम, देखिए ये सभी पौधों के लिए हो गया। ये देखिए अब ये जब ये मिल जाएगा पूरा इस टाइप का बन जाएगा, देखिए ये खाद इसके लिए करीब 15-20 दिन के लिए होगी, 15-20 दिन बाद आप फिर दोबारा ये देंगे तो इसमें जो फूल जो कली आ रही हैं, ये देखिए मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी, उसकी वजह से इसमें इतने, पिंचिंग यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तोड़ दिया, उसकी वजह से इसमें इतनी ब्रांच निकल गई और इतना जो है इतनी बड़ आने लगी, स्टार्ट हो गई है, देखिए बड़ आनी हर पौधे में। देखिए इस जैसे हम इस खाद को ये जो है इसको ऐसे इसमें जो है इस तरीके से दे देंगे, बस
इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अब अगले दिन डालेंगे पानी, आज के लिए ये जो है हो गया है। और जो एक चीज़ और आप देखिए, इसमें जो एक कीड़ा लगा है देखिए, काले रंग का कीड़ा लगता है, ये जो कलियों को खा देता है देखिए, ये देखिए नज़दीक से लाइए, ये जो कीड़ा लगा है ये पूरे उसको खा देता है। इसके लिए मैंने एक पेस्टिसाइड है, वो आपको संग शेयर करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा जो बनाया है, वो उसको आप मिलाकर पानी के संग हल्का हल्का जहाँ जहाँ पर कोई है इसको स्प्रे कर सकते हैं। और ये स्प्रे जो है ये शाम के समय करना, क्योंकि दिन में धूप रहती है, गर्म हल्का गर्मी रहती है, उससे आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है, जल भी सकता है। ये स्प्रे कर दीजिए इसमें जहाँ जहाँ को कीड़ा लगा है, पूरे पौधे में इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए, बस इसको छाया वाली जगह में रखना है जब तक ये एक दिन के लिए, जब स्प्रे कर रखा या शाम के समय करें या दिन में करें तो छाया वाली जगह में रखिए, और उसके बाद अगले दिन इसको फिर से धूप में रख दीजिए, और पूरे दिन की धूप देंगे तो इसमें बढ़िया फ्लावर खिलेंगे और आपका जो पौधा है स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से आप इसमें खाद दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। गुलदाउदी के पौधे में जो फूल खिलते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उससे क्या होता है आपके जब फूल खिलेंगे इसमें तो ये जो इसकी स्टेम है ये ऐसे नीचे झुक जाएगी, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए हम इसमें जो है ये देखिए बांस के जो छोटे डंडे हैं इनको हम इसको साइड में लगाकर ऐसे सपोर्ट दे देंगे इसको, उससे क्या होगा आपका जो पौधा है वो फूलों के वेट से झुकेगा नहीं। ये देखिए इसको ऐसे लगा दीजिए और ये वाला साइड में ये ऐसे लगा दीजिए, चार डंडे लगा दीजिए ऐसे बांस के या कोई भी आपको मिले, वैसे मेरे पास तो बांस के डंडे थे, बांस के ही सही रहते हैं। ये डंडे लगा देंगे आप, अब इसको जो है अभी ऐसे रहने देंगे, थोड़ा सा इसमें फूल खिलने लग जाएंगे तो इसको हम किसी चीज़ से रस्सी से सुतली से ऐसे बांध देंगे चारों तरफ से, जिससे कि आपका ये पौधे को सपोर्ट मिल जाए और जो फूल खिले उससे जो इसकी स्टेम नीचे लटक जाती है टूटने का डर रहता है वो ना टूटे और फूल भी खिल के शानदार ये गुलदस्ते जैसा लगे। ये थोड़े से लंबे हैं, अगर इसको चाहो तो आप इसको काट सकते हैं, लेकिन मैंने ये लंबे रख रखे क्योंकि कई जगह काम आते हैं, काट के कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आप अपने हिसाब से बनाइए और इसको गुलदस्ते जैसा आप अपना ये गुलदाउदी का जो पौधा है इसको सजाइए। और आपके जो गुलदाउदी के पौधे में इससे कुछ फ़ायदा हुआ, फूलों में कुछ बढ़िया बढ़ोतरी हुई, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।